हम लोग हिंदी के सेशन में एक्सरसाइज दो के स्टेप वन पर काम शुरू करने से ही शुरू कर लेते हैं, उसके बैकग्राउंड पर थोड़ी बात फिर लौट के कर लेंगे। इतना बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि हम लोगों ने यूएसबी वन में ह्यूमन बीइंग के बारे कुछ स्टडी किया था, कुछ है ना एक्सप्लोर किया था, और उसमें जो निष्कर्ष निकला था वो यह है कि मानव जो है वो मैं और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में है, और ये दो अलग अलग प्रकार के रियलिटीज हैं, अलग अलग प्रकार की वास्तविकताएं हैं, मैं और शरीर। इनको कैसे पहचान सकते हैं, इस पर जब बात हुई थी तो ये कहा था कि हम इस आधार पर पहचान सकते हैं कि मैं की जो आवश्यकता है और शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो भिन्न भिन्न है, अलग प्रकार की हैं। इसी तरह से मैं में जो क्रियाएं चल रही हैं और शरीर में जो क्रियाएं चल रही हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। इसी तरह से मैं का जो पहचाना निर्वाह करना है वो अलग है, शरीर का जो पहचाना निर्वाह करना है वो अलग प्रकार का है। इस आधार पर हम लोगों ने यह पहचाना कि सेल्फ एक प्रकार की रियलिटी है जिसको हम लोगों ने कॉन्शियसनेस कहा, यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस, और शरीर जो एक दूसरे प्रकार की रियलिटी है जिसको हम लोगों ने जड़ कहा, मेटीरियल यूनिट कहा। तो ये कॉन्शियसनेस यूनिट और मेटीरियल यूनिट चैतन्य और जड़ के सहअस्तित्व के रूप में मानव है। ये बात हम लोगों ने कही थी यूएसबी वन में, और आप में से ज्यादातर लोगों ने कई बार यूएसबी वन को कर रखा है, फिर भी इसके बारे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बट अभी मैं इसको मान के चलता हूँ कि आप इससे परिचित है ना। तो ये जो बातें हम लोगों ने कही थी और हमको विचार के लेवल पर तो ठीक लगी ही थी, उसको अब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे इसके ऊपर। तो एक्सरसाइज टू में इन सब मुद्दों पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉडी बाय द सेल्फ। उससे बहुत सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पर देखे थे पीएचबी वन में वो काफी साफ भी होंगे, तो उस पर आगे बात करें। दूसरा एक बात ये कहा था कि सेल्फ और बॉडी के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है, जड़ और चैतन्य के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है ना, उसका आदान प्रदान सिर्फ सूचना के रूप में हो रहा है। तो अभी ध्यान देंगे तो मैं शरीर को कोई सूचना देता हूं, मैं शरीर से कोई सूचना लेता हूं, ये जो मैं शरीर को सूचना दे रहा हूं वो संकेत नाम दिया, उसको इंस्पेक्शन कहा। शरीर से जो ले रहा हूं मैं उसको संवेदना कहा, सेंसेशन कहा। तो इस रूप में हम आदान प्रदान शरीर के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने शरीर को संकेत दिया है ना, हमको मिठाई खाने का मन किया, किसको किया, सेल्फ को किया। तो सेल्फ ने शरीर को इंस्ट्रक्शन दिया कि उठो, किचन में जाओ, किचन में मिठाई का डब्बा निकालो, उसको मिठाई को कटोरी में रखो, दौड़ कर आकर है ना उसको खाओ। जो जो इंस्ट्रक्शन देते जाता है मैं, वो शरीर करता रहता है। तो मुख्य मुद्दा तो मैं का है जो इन्हें कर रहा है और उसके साथ सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है। बट दोनों को अगर देखेंगे साथ साथ तो इन दो वास्तविकताओं के बीच में, सेल्फ और बॉडी के बीच में है ना ट्रांजेक्शन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, और उसमें सेल्फ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है बॉडी को और कुछ सेंसेशन पड़ रहा है बॉडी से। ये दो बातें हम लोगों ने पीएचबी वन में बार बार किए हैं, और बहुत सारे लोगों को ये तो स्पष्ट ही होगा, फिर भी कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लेंगे। मैं स्टेप टू को एक बार, एक्सरसाइज टू के स्टेप वन को एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्या करना है, ताकि सब लोग उस पर काम रख सकते हैं
और फिर हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज टू के स्टेप वन में पूरे 7 स्टेप्स हैं, एक्सरसाइज टू में भी उसके स्टेप वन को देखेंगे तो बहुत सिंपल है। स्टेप वन में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि भाई सेल्फ है और बॉडी भी है, ये दो रियलिटीज हैं। तो स्टेप वन के हेडिंग में लिखा है ऑब्जर्विंग द सेल्फ एंड द बॉडी बाय द सेल्फ। देखने वाला तो सेल्फ रहता ही हमेशा, अभी एक्सरसाइज वन में सेल्फ को ही देख रहे थे सेल्फ के द्वारा, अब हम लोग सेल्फ के द्वारा बॉडी को देखने का काम करेंगे, ठीक है, बॉडी को भी देखने का काम करेंगे। तो इसलिए लिखा है कि दो चीजें, एक तो मैं हूं इसको देखना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्विंग माय एक्टिविटी, राइट, और अपने एक्टिविटी को देखने के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं एक वास्तविकता हूं, एक रियलिटी हूं, है ना, विच एग्जिस्ट एज एन एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। एक बात तो ये देख रहे हैं और यही हम स्टेप वन एक्सरसाइज वन में देख रहे थे 7 स्टेप में, अब उसको एक तरह से कंक्लूड करके वापस देख रहे हैं एक्सरसाइज टू के स्टेप वन में, पार्ट वन में। पार्ट टू हम ये देख रहे हैं कि शरीर भी है, मैं भी हूँ और शरीर भी है, दो चीजें हैं। शरीर है इसको कैसे देखेंगे, तो हम लोगों ने उदाहरण से बताया था कि शरीर में कोई संवेदना होती है उसको पढ़ के हम निर्णय करते हैं कि शरीर भी है, ठीक है। तो जब आंख खुला है तो आंख से शरीर का रूप देखकर हम तय करते हैं कि शरीर है, जब हमने आंखें बंद कर ली हैं तब भी हम ये देख पाते हैं कि शरीर है, किस आधार पर, शरीर में होने वाली किसी संवेदना को पढ़ने के आधार पर। तो शरीर में कहीं गर्मी लगती है, कहीं ठंडक लगती है, कहीं भारीपन लग रहा है, कहीं खुजली हो रही है, ये सब सेल्फ का स्टेटस है। ये सब जो है बॉडी में होने वाली जो सेंसेशन है उसको सेल्फ पढ़ रहा है, उससे हमको पता लगता है कि शरीर है। तो जब आंख खुला था तो आंख से शरीर का रूप देखकर रूप की संवेदना से हम सेल्फ के लेवल पर यह निष्कर्ष निकाले कि शरीर है। जब आंख बंद कर लेते हैं तो क्या हम शरीर को होने का पता लगता है कि नहीं लगता है, तो आंख के सेंसेशन से तो नहीं पता लगता है क्योंकि आंखें बंद हो गई, लेकिन शरीर में और कोई संवेदना हो रही है, और कोई सेंसेशन हो रहा है, उस आधार पर हम तय कर सकते हैं कि है शरीर। तो इस तरह से दो एंटिटीज हैं, दो रियलिटी हैं, इस बात को देखने का काम हम लोग स्टेप वन में कर रहे हैं, और ये दोनों रियलिटी अलग अलग प्रकार की है। सेल्फ एक रियलिटी है, इसको हम देख सकते हैं सेल्फ की क्रियाओं को देखकर। शरीर एक रियलिटी है, इसको देख सकते हैं शरीर में होने वाली संवेदना, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ उस पढ़ने के आधार पर। तो जो कंक्लूजन नीचे लिखा है कि द सेल्फ एंड द बॉडी आर टू डिस्टिंक्ट रियलिटीज, आई एम एबल टू ऑब्जर्व दिस। तो इसको